हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूँ ममता और मैं आज आपके पास लेकर आ गई हूँ जो हमारे यहाँ खलपतवार के तौर पर तंदुली चौलाई बोलते हैं, इसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं, कुछ लोग तो इसे खाते भी हैं इसका साग बनाकर, लेकिन कुछ लोग इसे जानते हुए भी फेंक देते हैं क्योंकि नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते। मैं अक्सर आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आती हूँ जो हमारे यहाँ स्वस्थ हैं, लेकिन भरपूर औषधि गुणों से भरपूर होने के बावजूद भी हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते हैं और उनके औषधि गुणों के बारे में भी नहीं जानते हैं। इन्हें इस्तेमाल करें, इन्हें प्रयोग में लाएँ ताकि आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, आजकल के खान पान जो चल रहा है उससे बचें। सादगी से ही जीवन है, ये सत्य है। इसे खुटनी भाजी, खड़ा साग के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचली लोग अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा है पहाड़ी इलाकों में जो है लोग सर्दियों से भी बचे रहते हैं और बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। इसी तरह इसका प्रयोग बहुत से आदिवासी इलाकों में भी किया जाता है ताकि लोग 100-150 साल तक जीते हैं, लेकिन अपने सादे खान पान की वजह से कि ना कभी बीमार होते हैं, ना कभी कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है उन्हें, किडनी लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार चौलाई का प्रयोग जैसे पीलिया, मुंह में छाले, सांसों संबंधी रोग, खांसी, हिचकी की परेशानी, पेशाब की जलन की समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है चौलाई। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं आपके खान पान संबंधी किस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसी तरह के वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आप अपने खाने में उन चीज़ों को शामिल कर सकें और इनका लाभ उठा सकें और बीमारियों से बचे रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। छोटा सा पौधा 30-60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, अनेक शाखाओं वाला हरा भरा पौधा, इसको जितना मर्जी तोड़ो ये फिर उग जाता है। और इसके पत्ते भी ऐसे होते हैं, देखिए आप देख रहे हैं, ये पौधा जो है सीलन वाली जगह पर हो जाता है या फिर बरसात में हो जाता है। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। इसका भालाकार, आयताकार 3-9 सेंटीमीटर लंबे इसके पत्ते होते हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। ये देसी, एक तरह से देसी चौलाई कही जाती है, कुटनी भाजी भी कहते हैं लोग इसे, और भी इत्यादि नामों से जानते हैं इसको। आप इसके जो है गुच्छों के रूप में लगे रहते हैं, ये एकदम ऐसे गुच्छे पत्ते आते हैं इसके बहुत अच्छे। ये खून साफ करने के लिए बहुत अच्छी रहती है, मूत्रल होती है, पेशाब लाने वाली होती है। चौलाई का पंचांग प्रयोग बवासीर में अगर रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या है, खांसी, सांसों के रोग हैं, आंतों संबंधी रोग हैं और दस्त और लिकोरिया आदि की चिकित्सा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आंतों को खत्म करने के लिए, आंतों के रोग, सूजन, पेट को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही यह बुखार और कम पेशाब की समस्या में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे सब्जी वाले ले आया करते हैं, ये हिमाचल में बहुत मात्रा में खाया जाता है, कुछ आदिवासी इलाकों में भी लोग खाते हैं पर पहाड़ों पे भी इसे खाते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, ये बहुत फायदेमंद होता है। पहाड़ों में कहा जाता है अमरनाथ स्पिनच, जी हाँ, ये पहाड़ों का पालक है एक तरह से, इसे अमरनाथ ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं, इसे नामों से जाना जाता है, चौलाई, चौराई का साग, कटहली, चबलाई, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पाइनी एमरेंथ, जी हाँ, और थार्निक पिगमेंट। आने जाऊँगी तो पूरा वीडियो नाम से ही भर जाएगा, इसलिए नाम को छोड़कर इसके फायदों के बारे में ही जानते हैं। कई लोगों का कान बहता है, इसके इलाज के लिए लोग अनेक तरह के उपाय करते हैं। आप चौलाई का प्रयोग करें, कान बहना रुक जाएगा। चौलाई के पत्तों का रस, चौलाई की जड़ 2-3 बूंद की मात्रा जो है इसकी, चौलाई की जड़ के रस को घिस लें और 2-3 बूंद आप कान में डालें, आपका बहना बंद हो जाएगा। पेचिस, जी हाँ, पेचिस के इलाज के लिए, दस्त के इलाज के लिए भी बहुत सारे करें। 1-3 ग्राम चौलाई की जड़ का पेस्ट में मधु या मिश्री मिला लें, इसे चावल के ढोन के साथ सेवन करें, पेचिस रक्त विकार में लाभ होता है। इसके लिए तंदुली चौलाई को जो है इसके पत्तों का पेस्ट बना लें और इसको अरंड के तेल में भून लें और इसके बाद इसे एक पेस्ट की तरह, पुलटिस की तरह जो है पेट पर बांध लें तो आपको जो है पेट संबंधी जो भी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं। जैसे गीली पट्टी की तरह बांधते हैं तो उसी तरह इसकी पुलटिस बनाकर भी बांधने से बीमारियाँ दूर होती हैं, जैसे मधुमेह में या भी मुँह में छाले हो जाते हैं, दर्द हो जाता है कानों में,
इसका सेवन करते हैं, इसकी सब्जी का सेवन करते हैं तो आपको बला बवासीर की बीमारी है तो उसमें भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे लिचूरिया है, 1 से 2 ग्राम कंदुली चौलाई की जड़ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर चावन के धोए हुए पानी से उसका सेवन करते हैं तो लिचूरिया ठीक हो जाता है। और 1 से 2 ग्राम जड़ का पेस्ट बनाकर मधु और प्रसादन मिला लें, इसे चावल के धुआं के साथ पी लें, लिचूरिया में आपको लाभ हो। तो पुराना घाव है, साइनस संबंधी बीमारियां हैं, उस घाव पर भी इसके पेस्ट का लेप बनाकर आप पत्तों का लेप बनाकर लगा सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा। चौलाई के पत्तों को पीस कर लगाने से विद्रोही, कोड़ा, जलन, चोट, सूजन, घाव में भी लाभ होता है। एक और आती है जंगली चौलाई होती है जिसमें कांटे होते हैं, उसकी जड़ बहुत खास है। मैं फिर अगर मुझे कहीं मिला उसका पौधा तो मैं आपका वीडियो बनाकर ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा होता है। अगर आप लोगों में से कोई जानते हैं तो उसका जड़ जो है, उसकी जड़ को जो है अधिकतर जो है जहर को उतारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि भाई वीडियो बनाएं कौन देखें। बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं, चाइनीज फूड, कॉन्टीनेंटल खाने, थाई डिशेज, जसमिन सलाद आदि आप खाने के शौकीन हो गए हैं। आजकल बाहर में रहकर बच्चे भी हमारे यहाँ से चीज़ें खाने लगे हैं, लेकिन हमारे जो औषधीय गुणों से भरपूर जंगली भाजियाँ हैं, आपको पता है चाइना इसका प्रयोग करता है, वो लोग उबाल कर इसको सिंपल ही सादा ही खाते हैं। जो आपने देखा होगा जो धार्मिक लोग हैं उनके, वो इसी तरह की चीज़ें खाते हैं। हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मीट खाता है, वो ऐसे इस तरह की सब्जियां भाजियां खाते हैं, चकोड़ा की भाजी, तुलसी की भाजी, बांस की भाजी, इस तरह की चीज़ें खाते हैं और सालों साल सेहतमंद रहते हैं। कभी एक उनकी बॉडी पर कट भी नहीं लगता, किस तरह की कोई उन्हें बीमारी भी नहीं होती, बुखार नहीं होता, ताप नहीं होता। अब आदिवासी इलाकों में जो है 82 ईयर की लेडीज़ क्या खाती है, ये खलपतवार, चकोड़ा, पालतू पशुओं का प्रिय भोजन है, इसकी बारीक बारीक कोंपलें ले आएंगे उसे खाएंगी, बांस की कोंपल ले आएंगी उसे खाएंगी, उनका हलवा भी कमोबेश इसी श्रेणी का, महुए के आटे का हलवा, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो कभी बीमार ही नहीं पड़ते। होता क्या है, हम लोग अब नए दौर के हो गए हैं, अब ये जो है सब्जियाँ भी हम खा रहे हैं तो हाइब्रिड सब्जियाँ हैं, सब में केमिकल डलता है, कोई सेहत के अनुकूल कोई सब्ज़ी नहीं है। क्योंकि हम जो हमारी जो पारंपरिक थाली थी ना, वो तो हम भूल ही गए हैं। अब आपको बताएं, ये भाजियां जो हैं फ्लोराइड से निपटने की क्षमता रखती हैं, जी हाँ, इनकी पहचान कर ली गई है, अब इनका आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग भी हो रहा है। और चकित कर देने वाली बात दरअसल ये है कि रखी हुई चीज़ों की पहचान नहीं हो पाती है, और लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, महुए का लाटा, महुए की बर्फी, अमड़ा की चटनी, पेरी नाम, ऐसे ऐसे मशरूम, जी हाँ, मशरूम, वो मशरूम है ये जो जंगल में अपने आप ही निकलती है, ओरिजिनल मशरूम, और इस ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। जो हम ये मार्केट से खरीद के लाते हैं ना, ये मशरूम किसी काम के लिए, मैं आज चकोड़ा के माध्यम से आपको, ये चौलाई के माध्यम से मैं आज बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ आपको, जो सब्जियां खाकर आप हैरत में रह जाएंगे। 82 ईयर ओल्ड लेडी अपना सारा काम कर भी लेती है और खुशी खुशी आने जाने वालों का भी स्वागत करती है, और इसी तरह का खान पान है उनका। चकोड़े की सब्जी साल, ये बरसात में उगने वाला जो पत्ता है, मैंने आपको इसका एक वीडियो बनाया भी था, तो इसको खाने से शुगर